है। ऐसे में पीड़िता का परिवार गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और कल ही राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची थी जिसने वहां पर नपाई का काम किया था और आज बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अयोध्या से तस्वीरें हैं। आरोपी मोइन खान की बेकरी जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, आरोपी मोइन खान की बेकरी जो है वो गिराई जा रही है। बेकरी को प्रशासन ने खाली कराया और उसके बाद उस पर ये बुलडोजर चल रहा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, प्रशासनिक कार्रवाई आराम से पूरी हो। और आप देखिए ये बेकरी जिसका मालिक आरोपी मोइन खान, सबसे पहले उसकी नपाई की गई और उसके बाद इसको खाली कराया गया और अब इस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इसकी दीवार गिराई जा चुकी है और बेकरी के आगे जिस तरह के शेड लगाए गए थे उसे भी बुलडोजर से ढा दिया गया है। बुलडोजर लेकर प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है। गैंगरेप आरोपी एसपी नेता पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। केबी शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उन्हीं का रुख करते हैं। केबी शुक्ला हमें तस्वीरें दिखाइए और ये बेकरी मोइन खान की जिस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, आ चुका है। दूसरे बुलडोजर ने बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है, जितनी भी दीवारें हैं उसको गिरा दी गई है। हालांकि पहला बुलडोजर पे कुछ दिक्कतें आई थी, रास्ता दलदल था, नहीं हो पाया था, दूसरा बुलडोजर मंगाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से दूसरे बुलडोजर ने मोइन खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है, चाहे वो टीन शेड हो, दीवार हो, सभी को गिरा दिया गया है। इसके बाद अभी भी बुलडोजर कार्रवाई होनी है। इसके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा गिराया जाएगा क्योंकि वो भी जो है सरकारी जमीन पर है, तालाब की जमीन पर है। तो कुल मिला के जो गैंग रेप का जो मुख्य आरोपी है मोइन खान, जो कि जेल में बंद है, उसके बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। सीएम योगी ने परिजनों को आश्वासन दिया था कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उस कड़ी कार्रवाई की कड़ी में सबसे पहले उसके बेकरी को जमींदोज किया गया। तो लगा आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बुलडोजर जो है वो बेकरी को जमींदोज कर रहा है। तो कुल मिला के जो सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों को जो आश्वासन दिया था उसके मुताबिक पहली कड़ी में जो है कार्रवाई की पहली कड़ी में बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। इस जमींदोज के बाद अब पीड़ित परिवार को कुछ राहत महसूस हुई होगी क्योंकि पीड़ितों से सीएम योगी ने वादा किया था, आश्वासन किया था कि सख्त कार्रवाई करेंगे। उसी कड़ी में सबसे पहले एसएचओ चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया, उसके बाद एसडीएम सुहावल के नेतृत्व में मोइन खान की प्रॉपर्टी की नापजोक हुई, पैमाइश हुई और अब उसी नापजोक के तहत सरकारी जमीन पर बनाई गई, अवैध तरीके से बनाई गई बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। ये जिसने कानून के साथ खिलवाड़ किया वो योगी सरकार ने उसको कभी नहीं बख्शा। बुलडो चला है ये बाबा का बुलडो चला है, ये बाबा का बुलडोजर है। जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसको योगी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जिसकी मानगी आप देखिए अयोध्या जनपद के भदरसा कस्बे में जो की मुख्य आरोपी गैंग रूप का कोई स्थान है, उसके बेकरी को जो है उस जमीन जो है जमीन जो बेकरी पड़ी हुई उसको जमीन दोस्त कर दिया गया है। इसके बाद इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी आएगा, उसका कुछ हिस्सा सरकारी जमींदारी तालाब की जमीन पर आ रहा है, उसके भी नाप जो कर दी गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी खाली कराया जा रहा है। तो कुल मिला के जो सीएम योगी ने आश्वासन दिया था उसके बाद सख्त कार्रवाई हुई है और बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से बुलडोजर बेकरी को जमींदोज कर रहा है, एक एक दीवार, एक एक ईंटें गिराई जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बदरसा की जो एक मासूम बालिका थी 12 साल की थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ था और अब कार्रवाई के रूप में उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। पीड़ित परिजन सीएम योगी से मुलाकात लखनऊ में की थी, उसके बाद सीएम योगी ने आश्वासन दिया था कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे और उसी कार्रवाई की कड़ी में मोइन खान की बेकरी को जमींदोज कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। हालांकि एक घंटे पहले पहला बुलडोजर आया था जो दलदल में धंस गया था, उसके बाद दूसरा बुलडोजर गया, अब उसकी जमीन पे जो अवैध जो अतिक्रमण था, जो बेकरी बनाई गई थी सरकारी जमीन पर, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से दीवार गिराई जा रही है। बेकरी की दीवार है जो सीमेंटेड पट्टी बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। जो उसके उसके ऊपर जो टीन सेट रखा गया था उसको भी गिरा दिया गया है। इसमें जो सामान था, जो भी खाद्य विभाग ने इसकी जांच की थी, उसके नमूने लैब में भेजे गए हैं। अगर वहां पर लैब रिपोर्ट भी गड़बड़ आती है तो उसके अनुसार एक अलग कार्रवाई इसके बेकरी यानी के संचालक पर की जाएगी, यानी कि मोइन खान पर एक और कार्रवाई होगी।
बिल्कुल केवी शुक्ला, आप हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है मोइन खान और उसकी बेकरी पर। इस बेकरी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये कब्जाई हुई जमीन पर बनी थी, क्या कोई नोटिस दिया गया था? क्योंकि बुलडोजर एक्शन जब होता है तो सवाल भी उठते हैं कि ये अवैध तरीके से बुलडोजर चला दिया जाता है, प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। देखिए, ये बताते हैं कि लगभग 6 साल पहले ये बेकरी बनाई गई थी और मानक के विपरीत थी कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके, तालाब की जमीन कब्जा करके इसको बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात, खाद विभाग ने इसको लाइसेंस भी जारी कर दिया था और अब जब कार्रवाई हुई है तो लाइसेंस भी इसका रद्द कर दिया गया है। उसको मिला के जब ये बेकरी बनाई गई थी तो मानक के विपरीत थी, लेकिन फिर भी इसको लाइसेंस दिया गया था। और जब अब कार्रवाई हो रही है, जब ये मुख्य आरोपी जब जेल में बंद है, इस पर गैंग रेप का आरोप लगा है, तब खाद विभाग ने इस पर जो है कार्रवाई की है, इसका लाइसेंस रद्द किया है। तो कुल मिला के बेकरी जो चल रही थी इसको जो है आज स्थानांतरित कर दिया गया है। 6 साल पहले बनाई बेकरी अब ये जमींदोज हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से बुलडोजर बेकरी की छत जो स्टील शेड है उसको जमींदोज कर रहा है। दीवार गिरा दी गई है, एक हिस्सा और बचा हुआ है उसको भी गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के बुलडोजर जो है अपना काम कर रहा है। जिस तरह से परिजनों को सीएम योगी ने आश्वासन दिया था कि जो कृत्य किया है सपा नेता ने, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और अब बुलडोजर पहुंच चुका है और बेकरी को लगभग लगभग ध्वस्त कर दिया गया है। ये बेकरी क्या केवी शुक्ला वर्किंग कंडीशन में थी या केवल ये एक स्ट्रक्चर भर था कि यहाँ पर बनाई जाएगी, फुल ऑपरेशनल थी? ये शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, एक मदरसा कस्बा है। यहाँ पर सीमेंटेड दीवार बनाकर एक टीन शेड और सीमेंट की शेड रखी गई थी, जो की गांव क्षेत्र में इसी तरह बेकरी बनाई जाती है ताकि जो धुआं वगैरह निकले उससे छत खराब ना हो। तो टेम्पररी एक टीन सेट या इसकी जो होती है सीमेंट सेट लगाई जाती है। तो इस तरह से बेकरी ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाती है, जिसका लाइसेंस भी बाकायदा दिया गया था खाद विभाग से। हालांकि लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से ये बनाई गई थी वो मानक के विपरीत थी। सरकारी जमीन पर बनाई गई थी, उस समय यहाँ के जो भी तत्कालीन लेखपाल या कानून गो आज भी जिम्मे होंगे, इसकी जाँच नहीं की थी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया था बेकरी के रूप में। तो कुल मिला के अब जब वो गैंग रेप का आरोपी बना, जब वो जेल गया, तो अब सीएम योगी ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस पर सबसे पहले बेकरी गिराया गया। देखिए, अब देख सकते हैं, देखिए दूसरी दीवार पर भी एक्शन हो रहा है, बुलडोजर का एक्शन दूसरी दीवार पर। ये उसकी जो छत है, जो बेकरी का दूसरा हिस्सा है, अब उसको गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूसरा बुलडोजर, पहला बुलडोजर जो आया था वो दलदल में फंस गया था, वो काम नहीं कर पा रहा था, तो दूसरे बुलडोजर को प्रशासन ने बुलवाया है। और अब बदरसा कस्बे में बना ये बेकरी, जिसका नाम था ए वन बेकरी को अब नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये देखिए बुलडोजर अपने एक्शन के मूड में है और अब इसको पैक करके इसका जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से को भी अब गिराया जा रहा है। आप देखिए, जो दूसरे हिस्से की दीवार है उस पर बुलडोजर चल रहा है, दूसरा हिस्सा भी गिराया जा रहा। कुल मिला के जिस तरह से सीएम योगी ने आश्वासन दिया था उसी हिसाब से अब इसको गिराया जा रहा है। तो कुल मिला के जिस तरह से सीएम योगी ने पीड़ित परिजन को आश्वासन दिया था उसी हिसाब फ्री में अब ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस बेकरी के बाद अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बुलडोजर चलना है, उसको भी खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है, वो जमीन की जो तालाब की जमीन बनाया गया उसको भी अतिक्रमण किया गया है, उसको भी खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो दुकानें हैं, वो सब खाली कराई जा रही है। हम बात करें सुरक्षा की, तो बदरसा एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पूरी बाजार को बंद करा दिया गया है और सभी से कहा गया है। ये देखिए दूसरी दीवार, देखिए किस तरह ढा दी गई है। ये देखिए बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर किस तरह से चल रहा है। दूसरी दीवार भी गिरा दी गई है, इस पर जो टीन सेट रखा था, जो सीमेंट का सेट जो रखा गया था, उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आप देखिए तस्वीरों में, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिसने कानून से खिलवाड़ किया था, एक बच्ची के साथ दरंगी की थी, उसको किस तरह से सजा दी जा रही है, किस तरह से उसके जमीन को जमींदोज किया जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा रहा है। ये आने वाले लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए कि अगर कोई दुष्कर्म की वारदात या कानून से खिलवाड़ करेगा तो सीएम योगी उसको कतई बख्शने वाले नहीं है। और आप देख लीजिए 24 घंटे के अंदर सीएम योगी ने कार्रवाई का निर्देश दिया था पीड़िता से मिलने के बाद, पीड़िता के पजों से मिलने के बाद, तो अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पूरी बेकरी को जमींदोज करना है, एक हिस्सा गिर गया है और दूसरा हिस्सा भी लगभग आधा गिरा दिया गया है। कुछ ही पलों में सारी बेकरी जमींदोज हो जाएगी। यहाँ पर एक मैदान नजर आएगा, जिस तरह से
एक नाबालिग बालिका के साथ अहमानियत की गई, सपा नेता ने की, उसके नौकर ने की, और फिर वो गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हुई जब उसके पेट में दर्द हुआ, जब उसके परिजनों ने डॉक्टर से दिखाया तब मालूम पड़ा कि बच्ची दो प्रेग्नेंट है। उसके बाद फिर मामला खुल के आया, हालांकि मोहित खान के दबाव में लगभग 30 घंटे पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके लापरवाही के आरोप में एसएचओ पूजा कलंदर और चौकी इंचार्ज गुदत्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और एसडीएम सुहाल को आदेश दिया गया कि मोहित खान की प्रॉपर्टी की जांच करें। एसडीएम ने जांच की और नापजोक करने के बाद बेकरी अवैध पाई गई, इसका निर्माण अवैध पाया गया, और अब उसी आदेश के क्रम में उसी दिशा में अब बेकरी जमींदोज की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से बुलडोजर अपना काम कर रहा है। और अब यही नहीं, अभी कार्रवाई यहाँ रुकनी नहीं है, अभी मोहित खान का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, रसूखदार मोहित खान तो जो रसूख है वो मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। सीएम योगी ने कहा था एक बार फिर से विधानसभा में कि अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो आप देखिए किस तरह से एक दुष्कर्म आरोपी की किस तरह से बेकरी जमी दोज हो रही है, किस तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में पूरी की पूरी जो बेकरी थी वो निष्पलाबूत हो रही है। अभी नहीं कार्रवाई, अभी यहाँ रुकना भी नहीं, इसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नंबर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का जो पिछला हिस्सा है वो गिराया जाएगा, क्योंकि पिछले हिस्से का कुछ जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, वो तालाब की जमीन है, तो अब उस पर भी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल, तो ये बेकरी कोई पहली और अंतिम कार्रवाई नहीं है, इसके अलावा भी मोइन की प्रॉपर्टी चिन्हित हुई है जो कि अवैध जमीन पर कब्जे करके बनाई गई, उनको भी प्रशासन मुक्त कराएगा। और मोइन खान के बारे में बात की जाए तो जो कि समाजवादी पार्टी का नेता बताया जाता है, इसे लेकर राजनीति भी एक अलग चरम पर चल रही है केबी शुक्ला, लेकिन इस बीच मोइन खान कहाँ है, उसका पक्ष इस मामले में सामने आया है क्या? देखिए हम आपको बता दें कि मोइन खान इस समय जेल में बंद है, मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने मोहित खान और उसके नौकर राजू को जेल भेज दिया है, और अब अभी 2 बजे समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखने वाली है, जिसमें पूर्व मंत्री पवन पांडे, पूर्व विधायक रुस्ती मियां, पूर्व विधायक आनंद सेन यादव और सपा नेता फिरोज खान गंबर पार्टी कार्यालय पर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा अपना पक्ष रखने वाली है। क्या वो सपा नेता मोहित खान को नगर अध्यक्ष पद से हटाएगी या उनका समर्थन करेगी, हालांकि ये 2 बजे मालूम पड़ेगा कि सपा का पक्ष क्या है, उसका रुख क्या है। समाजवादी पार्टी 2 बजे अपना रुख स्पष्ट करेगी कि वो किसके समर्थन में है, क्या वो दुष्कर्मी के समर्थन में है या फिर कार्रवाई के रूप में उसे नगर अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। फिलहाल 2 बजे का इंतजार है, 2 बजे पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे और कई विधायक सपा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को सफाई देंगे कि क्या वाकई में दुष्कर्मी है या फिर एक राजनीतिक स्टंट के तरीके किया जा रहा है। कुल मिला के 2 बजे सपा अपना रुख स्पष्ट करने वाली है। हम आपको बता दें कि मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है, उसके साथ घूमता है और कई वर्षों से वो बदरसा नगर का वो नगर अध्यक्ष अभी भी है, अभी तक सपा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद ही सपा पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही थी और निषाद समुदाय भी का पीडीए में नहीं आता है, अवैसी ने ऐसा उठाया था, उन्हीं के विधायक हैं सपा के विधायक अवैसी उनका उठाया था का पीडीए का जो नारा देती है सपा पार्टी का पीडीए में निषाद समुदाय नहीं आता है। इसी सब सवालों को लेकर जवाब क्या देती है 2 बजे देखना होगा कि पूर्व मंत्री पवन पांडे समाजवादी के जो विधायक हैं वो क्या जवाब देंगे। क्या ये अखिलेश यादव के निर्देशन पर प्रेस वार्ता हो रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि अखिलेश यादव के निर्देशन पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब देखिए ये एक दूसरा बुलडोजर सामने आ गया है, ये देखिए एक दूसरा बुलडोजर भी सामने आ गया है और अब दूसरी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि बेकरी को निष्पलाबूत करने के लिए एक दूसरा बुलडोजर भी सामने आ गया है, जो इसका पिछला हिस्सा है उस पिछले हिस्से को भी जो है गिराया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से, और हमारे साथ देखिए एक भाजपा नेत्री लक्ष्मी सिंह भी आ गई है, इनसे हम राय मांगते हैं कि किस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ। मैडम क्या कहेंगी आप? जनता पार्टी का ही है, अगर ये ऐसी सरकार ना हो तो आज हम लोग आज किस देश को हम किस देश को पाएंगे? हमारे अपराधी बस 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 आ जाओ।
किस तरह से दो दो बुलडोजर लगाए गए हैं बेकरी बिराने के लिए। एक बुलडोजर और मौके पर पहुंच गया है, जो दूसरा हिस्सा था बेकरी का उसको भी गिराया जा रहा है। एक तरफ से एक बुलडोजर और दूसरी तरफ से दो बुलडोजर, तो दो बुलडोजर बेकरी गिराने में लग गए हैं। ये देखिए किस तरह से दीवार गिराई जा रही है। हालांकि मीडिया को बचने के कहा जा रहा है कि वो मीडिया जरा घटनास्थल से दूर रहे ताकि कहीं ईंट ना उनको लग जाए, इसलिए प्रशासन उनको नजदीक जाने से मना कर रहा है। आप देखिए किस तरह से दोनों बुलडोजर किस तरह काम करा जाए। देखिए ये पहला बुलडोजर जो बेकरी में जो ओवन लगा था जिससे बिस्कुट वगैरह बनती थी, ओवन देखिए ओवन किस तरह गिराया जा रहा है। ये पहला बुलडोजर है जो ओवन गिरा रहा है। इस ओवन गिराने के बाद इसकी जो बेकरी का मेन पार्ट होता है, ये बेकरी का मेन पार्ट ओवन होता है, इसको गिराया जा रहा है। ये देखिए दूसरे बुलडोजर ने भी जो है दूसरी दीवार चढ़ा दी है। ये देखिए देखिए तस्वीरों में किस तरह से बाबा का बुलडोजर अपना काम कर रहा है। जो भी व्यक्ति कानून से खिलवाड़ करेगा, कानून को हाथ मिलेगा, हैवानियत करेगा मासूम बच्ची के साथ, तो सीएम योगी उसको कतई नहीं बख्शेंगे। विधानसभा में कई बार कह चुके हैं कि अपराधियों को वो जमी दोष कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो आज देखिए किस तरह से मोहित खान का गुरूर मिट्टी में मिल रहा है। हालांकि मोहित खान जेल में है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को जमी दोष किया जा रहा है। और ये पहली कार्रवाई है और अंतिम नहीं है। कार्रवाई पहली जरूर है लेकिन अंतिम नहीं है। अभी इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा और भी प्रॉपर्टी है, उसकी भी जांच हो रही है। तो जिस तरह से सीएम योगी से पुलिस परिजन मिला था, उसके बाद सीएम योगी ने आश्वासन दिया था कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, और उस कार्रवाई की कड़ी में यह पहली कार्रवाई है। मोहित खान की बेकरी को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। धीरे धीरे इसकी सारी जो बेकरी है वो जमी दोज हो रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर मैदान नजर आएगा। तो जिस तरह से सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया था कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, तो अब सपा भी अपना पक्ष रखने जा रही है। 2 बजे पार्टी कार्यालय पर सपा अपना पक्ष अपना रुख स्पष्ट करेगी कि क्या वो मोहित खान के साथ है या मोहित खान को पक्ष हटाने की। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के निर्देश के बाद समाजवादी पार्टी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें पूरा श्री पवन पांडे और कई विधायक सेन यादव, पूर्व विधायक आनंद सेन यादव, सब लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के जा रहे हैं। आप देखिए दीवार गिराई जा रही है, ये जमी दोष और ये मोबेन की जो दीवार थी जो बेकरी का मेन पार्ट होता है उसको भी जमी दोष कर दिया गया है। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से दूसरा बुलडोजर भी पहुंच चुका है और बेकरी के दूसरे हिस्से को भी जमींदोज करने का काम शुरू हो गया है। पुलिस के कड़े पहरे और प्रशासन के बंदोबस्त के बीच मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बेकरी का पहला हिस्सा जिसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और अब दूसरे हिस्से में प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ बेकरी ही नहीं, इसके अलावा भी केबी शुक्ला, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो चिन्हित हुई हैं, जिनको अवैध कब्जा करके बनाया गया है मोइन द्वारा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, क्या उन पर भी प्रशासनिक एक्शन होगा? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग 50 से अधिक दुकानें हैं, कई बैंक इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है और इस शॉपिंग का जो पिछला हिस्सा है वो सरकारी जमीन पर है, तालाब की जमीन पर है। तो इस पर जो है कार्रवाई करने की बात की जा रही है। आधे कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया है। अब इस बेकरी के बाद अब उसी का नंबर है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा गिराया जाएगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोक दी गई है, कुछ अड़चने आ रही है। फिलहाल अभी दोनों बुलडोजर को शांत कर दिया गया है, थोड़ी देर बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी। क्योंकि एक हिस्सा बेकरी का बचा हुआ है। तो आप बात कर रहे थे, अब थोड़ी बात कर ले सुरक्षा की, तो बदरसा एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आपको बता दें कि जब अदोजा जनपद जब फैजाबाद हुआ करता था, 2012 में एक दंगा हुआ था, उस दंगे के दौरान बदरसा भी प्रभावित हुआ था। उसी दौरान बदरसा में नई चौकी खोली गई थी और वो चौकी मोहित खान की ही बिल्डिंग में खोली गई थी। जब FIR दर्ज हुई तो रातों रात पुलिस ने उस चौकी को खाली किया और उस बिल्डिंग की भी जांच की जा रही है कि जिस बिल्डिंग में चौकी थी क्या वो बिल्डिंग भी नाजायज है, क्या वो सरकारी जमीन बनी है। तो अभी जांच चल रही है, अभी बहुत सी जांच हो रही है। तो कुल मिला के पहली कड़ी में जो इसकी बेकरी को जमीन दोष किया जा रहा है, उसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी नंबर आएगा। हालांकि कुछ देर के लिए अभी बुलडोजर को रोक दिया गया है, कुछ अड़चने आ रही है, उसके बाद दोबारा फिर गिराया जाएगा।
बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल कुछ अड़चने आ रही हैं जिसके चलते कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है, लेकिन थोड़ी देर में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। बेकरी के एक हिस्से को गिरा दिया गया है, दूसरा हिस्सा गिराया जाना बाकी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दो बुलडोजर इस काम पर लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई को अभी रोका गया है। वहां कुछ चीजों को देखा जा रहा है, कुछ और दिक्कतों को समझा जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन बेकरी को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा ये बिल्कुल तय है। पुलिस की कड़ी व्यवस्था, प्रशासन, मीडिया का हुजूम, उसके बीच में मोइन खान की इस बेकरी को ध्वस्त किया जा रहा है। केबी शुक्ला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केबी शुक्ला, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि मोइन खान जो फिलहाल जेल में है इस जघन्य अपराध के आरोप में, क्या इससे पूर्व में भी उसकी कोई हिस्ट्री रही है? देखिए, अभी तक ये जांच का विषय भी जांच की जा रही है कि पूर्व में क्या ऐसी कोई आपराधिक गतिविधियां है कि नहीं है, लेकिन रसूखदार आदमी था, सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। जब सांसद अवधेश प्रसाद जब विधायक हुआ करते थे तो उससे भी करीबी थी, तो कुल मिला के अवधेश प्रसाद पुराने नेता हैं और उन्हीं के करीब था ये, उन्हीं के छत छाया में पल रहा था ये, उन्हीं के करीब होते हुए नगर पंचायत भदरसा का अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद अब जो है, जब दुष्कर्म का आरोप इसके ऊपर लगा तो उसके बाद कोई जेल गया, जेल जाने के बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है। तो कुल मिला के इसकी आपराधिक गतिविधियां थी कि नहीं थी ये जांच का विषय है। पुलिस इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है, क्या पूर्व में इसे कोई के खिलाफ कोई मुकदमे दर्ज है नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कार्रवाई की गई है, सीएम योगी ने परिजनों से आश्वासन दिया था, वादा किया था कि हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उस आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। और अब लगभग लगभग बेकरी जमी दोष हो चुकी है, थोड़ी देर में ये जमी दोष हो जाएगी, यहाँ पर एक मैदान नजर आएगा। तो कुल मिला के सीएम योगी की जो कार्रवाई है पुख्ता कार्रवाई हो रही है, यहाँ का जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन सब मौके पर है, प्राधिकरण के लोग भी मौके पर है, सारे अधिकारी मौके पर है। हालांकि कुछ अड़चने आ रही हैं, अब इनको रोक दिया गया है, इसके बाद जो हिस्सा बचा हुआ है बेकरी का उसको भी जमीन दोष किया जाएगा, उसको भी नष्ट किया जाएगा। इसके बाद अभी ये कार्रवाई रुकनी नहीं है, ये पहली कार्रवाई है लेकिन अंतिम कार्रवाई नहीं है। अभी इसके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उस पर कार्रवाई होनी है, लगभग 50 से अधिक उसमें दुकानें हैं, कई बैंक उसमें है, वो भी सब खाली कराए जाएंगे। लेकिन जो पिछला हिस्सा है जो जांच के बाद ये सामने आया है कि वो सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसके बाद उस पर भी नंबर आएगा, बुलडोजर उस पर लगा। अब बुलडोजर को मूव किया जा रहा है कि किस तरह से दूसरे साइड से बाकी जो दीवारें बची है उसको गिराया जाए। तो अब बुलडोजर को फिर स्टार्ट किया गया है, अब इसको मूव कराया जा रहा है। आप देखें तस्वीरों में बुलडोजर को स्टार्ट किया गया है, इसको मूव करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप देखिए किस तरह से सीएम योगी की कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई में सबसे पहले बेकरी आई है, बेकरी सरकारी जमीन पर जो है बनाई गई थी, जिसके बाद इसको जमीन दोष की जा रही है। दोनों बुलडोजर तैनात हो चुके हैं कार्रवाई करने के लिए, शुरू कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब बुलडोजर को दूसरे दिशा में मूव किया जा रहा था, गिराने में कोई अड़चने ना आए इसके लिए दोनों बुलडोजर को मूव किया गया है। दिशा बदली जा रही है, दोनों बुलडोजर की दिशा बदली जा रही है। बुलडोजर की दिशा बदली गई और अब दोनों बुलडोजर विपरीत दिशा से अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से बुलडोजर विपरीत दिशा से दोनों को लगाया गया है, दोनों बुलडोजर अपनी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। बस बहुत जल्द बेकरी नेस्तनाबूद होगी और यहाँ पर एक मैदान नजर आएगा। जिस तरह से सीएम योगी ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया था कि वो कठोर कार्रवाई करेंगे और कठोर कार्रवाई हो रही है, आप देखिए तस्वीरों में बुलडोजर पूरे एक्शन में है, दोनों बुलडोजर स्टार्ट कर दिए गए हैं। और अब जो दूसरा हिस्सा है, जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको भी गिराने के लिए बुलडोजर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब उसकी दिशा बदली जा रही है, दिशा बदल के पिछले हिस्से से उसको गिराया जाएगा, जिस तरफ तालाब है तालाब की तरफ से भी बुलडोजर लगाया जा रहा है ताकि उसको नेस्तनाबूद करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उसकी दिशा बदली जा रही है। क्योंकि बेकरी बगल में बिजली का खंभा आ रहा है, खंभे को बचाने के लिए अब बुलडोजर का जो एक्शन है, जो दिशा है, वो बदला जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें भदरसा कस्बे को ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरा जो है भदरसा के ऊपर उड़ रहा है ताकि कोई गतिविधियां ना हो, कोई गतिविधियां इस तरह से ना हो जो अप्रिय हो, इसके लिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। भदरसा के ऊपर ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं, उसे नजर रखी जा रही है कि कोई ऐसी कोई गतिविधियां ना हो जो अप्रिय हो, इसलिए जिला प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं कर रहा है। सुरक्षा के दृष्टि से आप पीएससी पूरे कस्बे में लगा दी गई है, तो पीएससी के साथ साथ
ड्रोन कैमरे की नजर से बदरता पर नजर रखी जा रही है ताकि अगर कोई ऐसी गतिविधियां हो तो उसका कंट्रोल करने के लिए वहां पर फोर्स पहुंच सके। हालांकि पूरे कस्बे में फोर्स लगा दी गई है, पूरे बदरता को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और अब बिजली के खंभे को बचाने के लिए बुलडोजर की दिशा बदली जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन था वो काट दिया गया है लेकिन बिजली का खंभा है, बिजली खंभा अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसके लिए अब दिशा बदली गई है। बुलडोजर अब बिजली के खंभे को बचाते हुए दूसरे दीवार पर कार्रवाई करने के लिए खड़ा हो गया है, बस तुरंत कार्रवाई शुरू होनी है। दूसरी तरफ से दूसरा बुलडोजर दूसरी दीवार में आने जा रहा है, तो कुल मिला के जिस तरह से कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं अब पीड़ित परिजनों को पीड़ित को राहत महसूस हो रही होगी। जिस तरह सीएम योगी ने उनको जो आश्वासन दिया था बिल्कुल कार्रवाई हो रही है बिल्कुल। और गैंगरेप आरोपी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है जहां बेकरी को ध्वस्त किया जा रहा है, उसका एक हिस्सा गिरा दिया गया है और दूसरे हिस्से पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा।